तो गाइस हम टमाटर निकाल के आ चुके हैं खेत से बाहर। अब ये फ्रेश टमाटर जाएंगे कैफे में। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। आज कैंटीन का क्लीनिंग का डे डाला हुआ है। फिलहाल सारा सामान बाहर रख दिया गया है। फिलहाल कैंटीन की क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। भाई क्लीनर को मिक्स कर रहे हैं। इससे मजनू भाई का मुंह साफ करूंगा मैं। देखिए हमारे सैफ साहब क्या कर रहे हैं। तो अभी सभी इसको लस लस बोरो प्लस बनाना चाहते हैं। तो मजनू भाई देखिए खारिश हो रही है इनको। मजनू भाई अपना मुंह देखना चाहते हैं। कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे घूमे हैं आगे पीछे। तो अभी मैंने कुछ बोल दिया तो शर्म शर्म के लग गए हैं करने थोड़ा काम। पंडित जी के परांठे तैयार हो रहे हैं। तो देखिए गाइस मजनू भाई क्या, आज तो फुल फॉर्म में है मजनू भाई। मजनू भाई तो आज फुल फॉर्म में चल रहे हैं गाइस। थोड़ी नजर यहाँ भी डालिए, पहचानते ही होंगे कौन है। तो फिलहाल मजनू भाई को एक चैलेंज मिला है, खिड़की इनको साफ करनी है। मजनू भाई पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। रमेश भाई को भी एक चैलेंज मिला है, इन्होंने कैंटीन को साफ करना है। तो फिलहाल किट्टू आई है अभी सुबह सुबह। किट्टू क्या चल रहा है फिर? लसा लस बोरो प्लस कर रही है तू भी? नहीं कर रही है क्यों? हटो बेटू। तो मुझे अभी अभी पता चला कि ये चुपचाप मेरी वीडियो बना रही थी गंदी। और इसको अभी अभी चांटा पड़ा है गाइस, जोर से, एक जोर से और पड़ेगा, मुझे भागना होगा। रन रन। देखिए हमारे पहलवान से एक पानी की बाल्टी नहीं उठाई जा रही है। ये अपना किचन साफ करने के लिए जा रहे हैं। देखिए पानी से बचाने के लिए इन्होंने क्या क्या करके रखा है। ये इनकी स्पेशल रूम है इनके लिए, यही इनका घर है, यही आशियाना है, सब कुछ है। तो इनको हमने नेपाल से लाया हुआ है, नेपाल के हैं ये। ए बबुआ पाकिस्तान से आए हैं। तो फिलहाल ये अपने काम में लगे हुए हैं। तो देखते हैं हमारी हीरोइन क्या कर रही है। हीरोइन चुपके से अपने काम में लगी हुई है, इसको अभी पता नहीं है कि इसकी वीडियो बन रही है। और इनके साथ प्रैंक हो चुका है। मेरी वीडियो मत बनाओ, किसकी वजह से हुआ ये? आपकी वजह से। मैंने क्या किया? आपने किया, जो भी किया। मैंने कुछ नहीं किया। आप वीडियो बना रहे थे, अपने में मेरा पैर टूट गया। फिर क्या हो गया? मुश्किल से फुलाया था। फिलहाल तो मैं किट्टू के बलून के साथ प्रैंक करने जा रहा हूँ। किसने फोड़ा आपका बैलून? आपने। फिलहाल तो पिटाई हो रही है गाइस। फिलहाल तो काम कंप्लीट हो ही गया है। देखिए गाइस किट्टू ने फिर से एक बैलून फुला लिया है। फिर से प्रैंक करने के मूड में हूँ। किट्टू ने फिर से एक बैलून बना लिया है, इसको पता नहीं है मैं फिर से इसके साथ प्रैंक करने जा रहा हूँ। कुछ तो लिख रही है, ये दिख नहीं रहा है, कैमरा काफ़ी दूर है। चलो बुलाता हूँ इसको। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर देता हूँ चुपके से। किट्टू मत मार, किट्टू पड़ेगी तेरे को। फिर जब अभी पता चला है कि इसने कुछ कुछ तो गड़बड़ की है। हट
हट किटू हट किटू हटो तो क्या ये क्या लिखा है तूने ये बताइयो चल साफ कर इसको चुपचाप से मेरे को पता है तू क्या लिखना चाहती थी ये तो ये गाइस इसको लिखना नहीं आता है तब नहीं तो इसने कर दिया था कुछ परमानेंट मार्क से किया है ना अब आएगा मजा लगे रे नहीं था परमानेंट मार्क क्या ये क्या लिखना चाहती थी तुम क्या लिखा है एस डी एच मतलब क्या हुआ इसका गाइस आपको पता हो तो इसका मतलब डैम करना कमेंट्स में फिलहाल इसने पूरा साफ कर लिया है गुड 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 हैंडी क्लीनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है अभी सेटअप करना है पूरा है बस लंच भी रेडी हो चुका है तो मजनू भाई क्लीनिंग करके बहुत खुश हो रहे हैं फाइनली कैफे का सेटअप हो गया है सेटअप भी पूरा हो चुका है दिन को आज सफाई का काम चल रहा है और ये मेरे साथ है दिशा लगभग शाम के 6 बज रहे हैं हम टमाटर निकालने आए हैं मेरे साथ है रोहित टमाटर निकाल रहे हैं मसाले तो आजकल ये लास्ट की खेती बची है टमाटर का सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है लाल तो टमाटर हो काफ़ी हो गए हैं रोहित आपने कितने किए किए थे बहुत थे पर क्या हुआ गायब हो गए किसने चोरी कर लिया भाई तो गाइस टमाटर चुग लिए हमने अब हम चलते हैं तो ये हमारे रोहित जी का खेत है तो अभी हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं रोहित जी बताएंगे जरा आप कौन सी ब्रीड का टमाटर यूज करते हैं आप क्या हुआ कौन सी टमाटर ब्रीड का टमाटर लगाया आपने ये तो ए ग्रेड का ए ग्रेड तो गाइस हम आपको टमाटर दिखाते हैं ये ए ग्रेड का टमाटर है बट क्यों तो देखा आपने ए ग्रेड का टमाटर वैसे अच्छी क्वालिटी तो ये है तो टमाटर कैफे में पहुंच चुके हैं गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में